हेलो गाइस गाइस आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लेते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम बेनिफिट पर कंपेयर नहीं करते एक्चुअली हम जो है पॉलिसी के प्राइस पर कंपेयर करते हैं लेट सपोज कि मान लीजिए मैंने कोई पॉलिसी ली सेम मेरी फैमिली साइज में चार लोग हैं हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे और मान लो मेरी पच्चीस से तीस की फैमिली में एज है तो हम क्या करेंगे मुझे मान लो पंद्रह हज़ार की मिलेगी किसी को सेम पॉलिसी जो है बारह हज़ार की मिलेगी हमें लगेगा नहीं बारह हज़ार वाली सही पॉलिसी है और हमें तो ठग लिया किसी ने महंगी दे दी पर ऐसा नहीं है एक्चुअली उसके पीछे लॉजिक क्या है कम क्यों मिली है ज़्यादा क्यों मिली है तो उसका फंडामेंटल आज को हमको समझना है सबसे पहले ये कुछ पॉइंट हैं ये वो राइडर हैं जिनकी वजह से ये सारा प्रीमियम अप डाउन होता है और ये राइडर अगर आपने पॉलिसी में लिए हैं तो इन राइडरों की अपनी वैल्यू है मैं आज केवल केयर हेल्थ इंश्योरेंस के राइडर डिस्कस कर रहा हूँ फिर मैं आप मुझे बता देना एक एक करके मैं सारी कंपनियों के राइडर डिस्कस करूंगा अगर ये राइडर आपने अपनी पॉलिसी में लिए हुए हैं तो आपकी पॉलिसी में बहुत वैल्यू वैल्यूबल ये एक तरह से ऐसे आप समझिए मान लो आप कोई मोबाइल ले आते हैं और मोबाइल में आप ऐसे ही नॉर्मल चलाना स्टार्ट कर देते हैं अब इतना महंगा आईफोन ला रहे हैं आप उसमें कवर नहीं लगा रहे हैं उसमें टेम्पर नहीं लगा रहे हैं तो आपको डर लगेगा गिरने पर सेम एज इट इज आप एक नॉर्मल प्लान ले लेंगे बेस कवर तो उसमें अगर राइडर नहीं होंगे तो उस प्लान में उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी तो राइडरों की बात की अब राइडरों में भी कुछ राइडर है जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं तो केयर की पॉलिसी वीडियो में बने रहना सारे राइडर अगर आप जान लोगे केयर का प्रोडक्ट अगर परचेज करने जा रहे हो तो इन राइडरों के बारे में जब आप सेल्स पर्सन से पूछोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी सबसे पहले केयर का जो सबसे बेस्ट राइडर है वो है एन एनसीबी एनसीबी का मतलब होता है नो क्लेम बोनस भी नो क्लेम बोनस केयर के लगभग सारे प्लान में आप सीनियर सिटीजन ले लो अब नॉर्मल प्लान ले लो एडवांटेज ले लो सुप्रीम ले लो कहीं भी ले लो अब एन का मतलब हो गया नो क्लेम बोनस सिंपल है मैं क्लेम नहीं कर रहा मुझे बोनस मिल रहा है हालांकि इसमें डिवाइड है क्योंकि कंपनी के सारे प्लान में नो क्लेम बोनस पहले से मिलता है वो मिलता है जैसे कि मैं केयर की बात करूँ केयर के कुछ प्लानों में मिलता है जो पुराने प्लान थे उसमें दस परसेंट पर ईयर मिलता है पाँच साल तक दस 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 परसेंट ऐसे आज आपकी पॉलिसी पाँच लाख की आपने राइडर बिना ले ली एनसीबी सुपर के तो अगले साल पचास हजार बढ़ गई दस परसेंट दो साल के बाद फिर वो एक लाख हो गया इस तरह बढ़ेगा पर अगर आपने राइडर के साथ ले ली तो डेढ़ सौ परसेंट मिलेगा प्लान में। मतलब शिक्टी -शिक्टी दो साल में और बाकी के तीन साल दस परसेंट उसी के सिमिलर अगर आपने केयर प्लस या केयर प्लस यूथ या केयर आपने ले लिया कंप्लीट वाला प्लान तो उसमें दो सौ परसेंट राइडर है फिफ्टी फिफ्टी चार बार में मिल जाएगा सेम एडवांटेज में है सिक्सटी सिक्सटी टेन 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 अगर इस राइडर को लेते हो सुप्रीम में आपको एक एक्सेप्शनल है उसमें सीवी मिलता है उसमें क्लेम करो या ना करो राइडर में आपको जो है बोनस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा पर उसमें फाइव हंड्रेड परसेंट है तो एन सी बी की एक अपनी वैल्यू है कवर को बूस्ट करता है तो एन सी बी बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है ठीक है देन राइडर नंबर टू ये बहुत जरूरी राइडर है इसका नाम है केयर सील्ड केयर के लगभग सारे प्लानों में ये ऑप्शन में है केयर uh, में इस राइडर की वैल्यू है आप केयर एडवांटेज लो केयर का नॉर्मल प्लान लो केयर सुप्रीम लो केयर फ्रीडम लो ये केयर सील्ड के नाम से है जितने भी नॉन पेबल आइटम होते हैं कॉटन नेडल रेंज सैनिटाइजर पी पी किट वग़ैरह वो सब इसमें कवर हैं दूसरा इन्फ्लेशन सील्ड महंगाई के अकॉर्डिंग इस प्लान में आपको हेल्प मिलेगी तीसरा इस प्लान के अंदर अगर आप अपने कवर का ट्वेंटी फाइव परसेंट तक क्लेम कर लेते हो तब भी इस राइडर के लगने की वजह से आपका नो क्लेम बोनस जीरो नहीं होगा मैं दोबारा बता रहा हूँ केयर शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ें केयर शील्ड आपके जितने भी नॉन पेबल हैं वो सारे कवर करेगा तो केयर शील्ड को बहुत कम वैल्यू होती है पाँच सौ छः सौ हज़ार रुपये के अंदर का राइडर है वो बहुत ज़रूरी का राइडर है दूसरा अब पॉइंट नंबर तीसरे पे आता है एनुअल हेल्थ चेकअप केयर के सारे प्लान में ये राइडर Uh, कुछ प्लान में ये इन्वेल्ट आता है कुछ प्लान में लेना पड़ता है जैसे कि आपका केयर एडवांटेज है उसमें ये ऑप्शनल है ऐड करना पड़ेगा जैसे कि आपका जो है बहुत सारे प्लानों में इन्वेल्ट आता है जैसे केयर के पुराने प्लानों में आ जाता था जैसे कि आपके नॉर्मल अगर आप देखेंगे सीनियर वाला प्लान है उसमें भी इन्वेल्ट आता है पर सुप्रीम में एडवांटेज में ये लेना पड़ता है तो केयर का एनुअल हेल्थ चेकअप भी ऑप्शनल राइडर है ये भी लेना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है पॉइंट नंबर थ्री में आता है रिडक्शन इन पीडी रिडक्शन इन पीडी का मतलब सिंपल सा समझिए इस राइडर को लेने का सबसे अच्छी बात यह है कि मान लो अगर मेरी बीमारी है और मैंने मेंशन किया तो वो मेरी चार साल के बाद कवर हो रही है पर कंपनी आपको ऑफर कर रही है अगर इस बीमारी को आप दो साल के बाद कवर करना चाहते तो इस राइडर को अगर आप मैंसन कर देंगे तो आपकी वो पी आपकी चार साल की जगह दो साल में ही कवर होगी हाँ पर कंपनी इस राइडर का आपने ये राइडर लगा लिया तो सेल्स पर्सन अगर आपसे बोले कि दो साल ही प्रीमियम पे करना है तो नहीं चार साल इस प्रीमियम को पे करना पड़ेगा राइडर का एक्स्ट्रा प्रीमियम पर आपकी पीढ़ी दो साल के बाद ही कवर हो जाएगी अगला पॉइंट आता है कोपेमेंट वीवर इस राइडर की जब वैल्यू मेरे हिसाब से हर प्लान में और सिक्सटी वन के बाद ये राइडर मैंडेटरी है लेना ले लीजिए बहुत सारी जरूरत होती है इस राइडर की लेट सपोज आज आपने केयर की कोई पॉलिसी ली सिक्सटी वन आपकी अब एज हो गई तो आपको वहाँ एट्टी ट्वेंटी का को पेमेंट लग जाएगा पर अगर आपने कोपेमेंट वीवर का राइडर ले लिया है तो आपकी पॉलिसी हंड्रेड परसेंट कैशलेस रहेगी ये राइडर सीनियर सिटीजन वाले प्लान में बहुत ज़रूरी है लेना ये राइडर एडवांटेज प्लान में अगर आप सिक्सटी वन प्लस ले रहे हैं तो बहुत जरूरी है किसी भी प्लान में ले रहे हैं केवल केयर प्लस कंप्लीट प्लान को छोड़ के हर प्लान में ये राइडर जरूरी है क्योंकि केयर प्लस कंप्लीट रहता है लाइफ लॉन्ग अदरवाइज इस राइडर को लेने से आपका वैल्यू है इस राइडर से आपकी पॉलिसी हंड्रेड परसेंट रहेगी लाइफ लॉन्ग पॉइंट नंबर नेक्स्ट उसका नाम है ओपीडी ओपीडी ऑप्शनल मैनि बेटा बहुत सारे लोग सेल्स पर्सन बताते हैं कि आप ओपीडी ले लो या ओपीडी इनवेल्ट है तो केयर के प्लस और यूथ प्लान को छोड़ के किसी में ओपीडी इनवेल्ट नहीं है तो जब आप ओपीडी का क्लेम करना चाहते हो तो आपको ओपीडी राइडर लेना पड़ेगा और हर प्लान में ओपीडी नहीं होती कुछ स्पेशलाइज है सीनियर सिटीजन प्लान में ओपीडी है क्लासिक वाले प्लान में ओपीडी है नॉर्मल प्लान में ओपीडी है जो सबसे पुराना केयर का प्लान है तो ओपीडी भी वो ऑप्शनल राइडर है नेक्स्ट जो राइडर है वो है मैटर्निटी अब मैं जॉय प्लान की बात नहीं कर रहा वो प्रॉपर मैटर्निटी के लिए बना है पर जिस प्लान में मेटर्निटी का कुछ बेनिफिट मिलता है जैसे कि यूथ प्लान हो गया यूथ वाले प्लान में मैटरनिटी मैटर्नि राइडर अगर आपने टिक नहीं किया है तो आपको मैटरनिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ये एक राइडर है जिसको लेना पड़ता है तो मैटरनिटी भी एक राइडर अपने आप में बहुत जरूरी राइडर है अगला राइडर है हमारा स्मार्ट सेलेक्ट अब ये एक ब्रह्मास्त्र है स्मार्ट सेलेक्ट को बहुत सारे सेल्स पर्सन गलत भी यूज करते हैं और बहुत सारे लोग सही भी यूज करते हैं स्मार्ट सेलेक्ट का मतलब समझ लीजिए इस राइडर को लेने के बाद कंपनी कहती है अगर आप कंपनी के स्मार्ट सेलेक्ट हॉस्पिटल में जा रहे हो कंपनी के मान लो दस हजार हॉस्पिटल है और आपकी सिटी में मान लो बीस हॉस्पिटल है तो स्मार्ट सेलेक्ट लेने के बाद आपके हॉस्पिटल बीस की जगह आपको दस ही मिलेंगे आपकी सिटी में और अगर आप उन हॉस्पिटल की जगह किसी नॉन स्मार्ट सेलेक्ट में चले गए किसी दूसरे हॉस्पिटल तो आपको अपने क्लेम का जो रिमबर्समेंट होगा वो एट्टी परसेंट रिमबर्समेंट होगा बीस परसेंट आपको जेब से देना पड़ेगा स्मार्ट सेलेक्ट को लेने का फायदा ये है कि आपकी पॉलिसी में लाइफ लॉन्ग पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा पर उस पंद्रह परसेंट को बचाने के चक्कर में एजेंट क्या करते हैं बताते नहीं है सेल्स पर्सन क्या होते हैं बताते नहीं है डायरेक्ट वाले बताते नहीं है या कोई ब्रोकर बताता नहीं है बोलता है सर पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट है और आपकी पॉलिसी में स्मार्ट सेलेक्ट लगा के दे देगा आपको पता नहीं चलेगा और फिर आपकी पॉलिसी में हो जाएगी दिक्कत जब आप क्लेम करने जाओगे आपको लगेगा हॉस्पिटल पैनल में पर वहाँ जब आप पैनल में नहीं होगा मान लो आपके पास पैनल में भी है फिर भी आपने वो वहाँ पे अगर क्लेम किया आपकी लिस्ट में दिखा रहा है पर वो नॉन स्मार्ट सेलेक्ट है अब वो स्मार्ट सेलेक्ट की लिस्ट में ही नहीं है तो फिर दिक्कत है आपको वहाँ रिमबर्समेंट मिलेगा और आपको बीस परसेंट पॉकेट से देना पड़ेगा अगला जो राइडर है वो है रूम रेंट मॉडिफिकेशन और ये केवल इस केयर एडवांटेज प्लान में काम करता है इस राइडर को लेने के बाद केयर एडवांटेज की पॉलिसी में आपको सिंगल प्राइवेट रूम अलॉट हो जाएगा आप ना स्वीट ले पाएंगे ना डीलक्स ले पाएंगे उससे ऊपर की कैटेगरी नहीं मिलेगी तो आपको अगर सिंगल प्राइवेट रूम से काम चलाना है तब इस राइडर को लेना है इस राइडर को लेने से प्राइस कम होगा पर डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है अगला राइडर है एयर एम्बुलेंस बहुत सारे प्लान में जैसे सुप्रीम है पर वहाँ तो अभी वेबसाइट पर लग के ही आता है हालांकि आगे वाले बहुत सारे प्लानों में एयर एम्बुलेंस का राइडर बहुत सारी कंपनियों में भी ऑप्शनल होता है आपको लगना है लेना चाहिए तो ले लीजिए नहीं तो ये ऑप्शनल है ठीक है और उसके बाद है बैलेंस बेनिफिट जो सुप्रीम के अंदर है इसका बैलेंस का मतलब ये है कंपनी बोलती है आप दस हज़ार स्टैप रेगुलर चलो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने तीन स्लैब किए हुए हैं उसको अगर आप क्रॉस करते हो तो फिर आपको वो अपटू थर्टी परसेंट है बहुत सारे लोग कंफ्यूज आता है तीस परसेंट फ्लैट है अपटू थर्टी परसेंट का डिस्काउंट है अब ये जो राइडर मैंने बताया ये लगभग ग्यारह राइडर हैं पर आपको ये समझना है हर राइडर की एक अपनी वैल्यू है आपका प्लान मजबूत होता है और मेरे हिसाब से एनसीबी सुपर बहुत अच्छा राइडर है अच्छा राइडर है, है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इस पॉलिसी के अंदर अगर आप और सारी चीजें देख रहे हैं ओपीडी है एनुअल हेल्थ चेकअप सारे राइडरों की अपनी अपनी जगह वैल्यू है बस आप किस कंडीशन में पॉलिसी ले रहे हो आपकी नीड क्या है रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी राइडर को पॉलिसी में लगाइए अगर ये राइडर आप लगाते हो तो आपको फायदा है और कुछ राइडरों के फायदा है कुछ राइडरों के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है तो आप जब पॉलिसी लो तो सामने वाले से पता करो किस राइडर के साथ आप पॉलिसी ले रहे हो प्रीमियम के ऊपर जज करना बंद करो क्योंकि प्रीमियम राइडरों की वजह से कम ज्यादा हो सकता है तो पहले ये देखना है सामने वाले ने कौन सा राइडर लगा के लिया है साथ के साथ अब मैं नेक्स्ट किसी अदर कंपनी के राइडर के बारे में डिस्कस करूंगा उससे पहले अगर आप कोई भी जानकारी मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू